फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक के चिल्ले। सेहत से भरपूर स्वादिष्ट डायबिटिक वालों के लिए एकदम बढ़िया नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको चाहिए होगा 2 कटोरी बेसन, 2 कटोरी बेसन में ऐड करेंगे अजवाइन, सेसमे सीड्स, सफेद तिल, हेल्दी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, धनिया और पालक। हम पालक चिल्ला बना रहे हैं नाश्ते के लिए, फुल ऑफ प्रोटीन, आयरन, मिनरल्स। पालक ज्यादा क्वांटिटी में ले बेसन के साथ। अब मसाले डालेंगे हम, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, पानी डाल के हम मिलाएंगे। इसमें लगभग 1.5 ग्लास पानी डाला है मैंने। ऐसा एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे ताकि हमारा चिल्ला बन जाए। तवे को फ्रीज कर लें गर्म होने पर। अब हम इसमें अपना पेस्ट डालेंगे। इसको फैला लेंगे, हल्का सा तेल स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसको पलट लेंगे। दोनों तरफ से इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। बहुत ही हेल्दी, डायबिटिक पेशेंट हो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है सुबह बेसन की कोई भी चीज का नाश्ता। हीमोग्लोबिन कम हो तो आप पालक ऐसे रोज रोज सब्जी खा के बोर हो जाएं, तो आप इस तरह से पालक का चिल्ला बना लें। दोनों तरफ से पलट के इसको अच्छे से पका लेंगे। पक गया है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तैयार है हमारे पालक के चिल्ले। आप रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।